हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज मैं आपसे जिग ज़िग्लर की बुक सी यू एट द टॉप की समरी शेयर करूंगा। फ्रेंड्स जिग ज़िग्लर ने अपनी लाइफ में बहुत सी डिफिकल्टीज फेस की हैं, बट फिर भी वो इतने सक्सेसफुल बने। इस वीडियो में मैं आपसे 6 स्टेप्स या फिर 6 सक्सेस प्रिंसिपल्स कह लो जो कि ज़िग्लर ने अपनी बुक में बताए हैं वो शेयर करूंगा। ज़िग्लर कहते हैं कि आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, जहां कोई शॉर्टकट्स नहीं है। तो चलें मैं आपसे 6 स्टेप्स शेयर करता हूं। स्टेप 1 सेल्फ इमेज। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेल्फ इमेज का मतलब है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। जैसे आपको एक गोल है कि आपको एक मिलियनर बनना है, बट आप अंदर ही अंदर सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, तो क्या आपको लगता है आप ये कर पाओगे? वेल मुझे नहीं लगता। फ्रेंड्स अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे दो एग्जांपल्स बहुत इंस्पायर करती हैं। पहली है थॉमस एडिसन की, जिन्होंने सिर्फ 3 महीने स्कूल पढ़ा था और उसके बावजूद उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, फोनोग्राफ और पता नहीं क्या क्या इन्वेंट किया था। दूसरी एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड की, जिन्होंने कभी हाई स्कूल भी खत्म नहीं किया था और उसके बावजूद उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी बनाई। इन दोनों के पास बहुत ही कम एजुकेशन थी, बट फिर भी वो इतने सक्सेसफुल बने। जब भी मैं इन दो लोगों के बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है कि मैं लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको अपनी सेल्फ इमेज चेंज करनी है तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ के नाम से। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो जरूर देखना। स्टेप 2 रिलेशनशिप्स। फ्रेंड्स जिग ज़िग्लर कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपके दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके कैरियर पे भी पड़ेगा, आपका काम में ठीक तरह से ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए ज़िग्लर कहते हैं कि आपके दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए। स्टेप 3 गोल्स। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जिसने अपनी लाइफ में गोल सेट नहीं किए वो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। गोल सेट करना तो मस्ट है। अगर आपने अभी तक गोल सेट नहीं किए तो जल्दी गोल सेट करो। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना, आपके गोल स्पेसिफिक होने चाहिए। जैसे आपने गोल सेट किया कि मुझे अमीर बनना है, तो ये गलत है। आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होके बताना है, मतलब वो एग्जैक्ट अमाउंट, और साथ में आपको डेडलाइन भी सेट करनी है। स्टेप 4 एटीट्यूड। फोर्थ स्टेप है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है किसी भी चीज़ को लेकर आपका उस चीज़ के बारे में वे ऑफ थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल आप एक टीचर हो, अब आप ये सोचते हो कि आप स्कूल जाओगे, अपने स्टूडेंट्स को सिलेबस खत्म कराओगे और फिर आपको मंथ के एंड में सैलरी मिलेगी। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ टीचिंग करने जाओगे तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकोगे। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को वहाँ जाके कुछ सिखाओ। इसलिए फ्रेंड्स अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना। स्टेप 5 वर्क। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, देयर इज नो सच रियलिटी एज समथिंग फॉर नथिंग। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको काम तो करना पड़ेगा। आपको अपना काम पसंद होना चाहिए, तभी आप उसे ठीक से कर पाएंगे। तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उन पर काम करो। स्टेप 6 डिज़ायर। फ्रेंड्स आप अपने गोल को तभी अचीव कर पाओगे जब आपके अंदर उस गोल को अचीव करने के लिए एक बर्निंग डिज़ायर हो। थॉमस एडिसन 10,000 टाइम्स फेल हुए थे और उसके बाद जाकर उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इन्वेंट किया था, क्योंकि उनके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर थी। इसलिए आपके अंदर भी अपने गोल्स को लेकर एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे वो 6 स्टेप्स जो मैंने आपको जिग ज़िग्लर की बुक सी यू एट द टॉप से बताए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको सभी स्टेप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा लगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और अगर आप ऐसी और भी यूज़फुल वीडियोज़ चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।